गाइस, ये जो सामने वाला बंगलो देख रहे हैं ना, ये है ईसा अंबानी जी का बंगलो। जी हाँ गाइस, भारत के नहीं पूरे एशिया के सबसे रईस आदमी मुकेश अंबानी की बेटी लाडली ईसा अंबानी जी का घर है। जो मुकेश अंबानी की एकलौती बेटी ईसा अंबानी है, ये उन्हीं का बंगलो है। जी हाँ गाइस, ये मुंबई में है। आप सभी लोगों को हमने यहाँ पे एक गुड न्यूज़ दिया हूँ कि जो बहुत ही आप लोगों को जान के खुशी होगी। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इस घर की प्राइस, घर का लोकेशन और ईसा अंबानी का एक गुड न्यूज़ है जो आप लोगों को जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होगा। तो देखिए वीडियो पूरा, आप लोगों को पता चलेगा। Hey guys, welcome to my YouTube channel. आप सभी लोग को हमारे YouTube चैनल में स्वागत। जैसे आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं, विवेक ज्ञान व्लॉग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ना हम जिसका घर दिखाने वाले हैं, आप लोग नाम सुनते ही एकदम एक्साइटेड हो जाएंगे घर देखने के लिए, क्योंकि अभी तक बहुत ही कम लोगों ने घर दिखाया होगा। शायद हमारे जैसे बातें नहीं अभी तक कोई यूट्यूब पे बताया होगा। आज हम दिखाने वाले हैं भारत के नहीं पूरे एशिया के रईस इंसान मुकेश अंबानी की लाडली बेटी का घर। जी हाँ गाइस, मुकेश अंबानी की इकलौती बेटी हैं ईसा अंबानी, उन्हीं का आज हम घर दिखाएंगे। मुंबई में कहाँ रहती हैं, किस जगह रहती हैं गाइस, आप सभी लोगों को बता देना। ईसा अंबानी जी के अभी दो जुड़े हुए बच्चे हुए हैं, जो एक बेटा है और एक बेटी है। बेटे का नाम कृष्णा है। आप सभी लोगों को बता दें, बहुत धार्मिक लोग हैं और काफ़ी अच्छा नाम भी रखे हैं। आज उन्हीं का घर दिखाएंगे। मुकेश अंबानी का जो घर है वो 15,000 करोड़ का है, एल्टेनिया। जी हाँ गाइस, आप सभी लोग जानते ही होंगे। अगर वहीं पर बात करें ईसा अंबानी जी कितने महंगे घर में रहती हैं, जी हाँ गाइस, आज उन्हीं का घर दिखाएंगे। घर कहाँ पर है, पूरा लोकेशन एड्रेस सारा कुछ बताएंगे। अगर आप लोग YouTube पे वीडियो ब्लॉग्स वगैरह बनाना चाहते हैं तो बहुत आसान से आकर बना सकते हैं। तो चलिए गाइस, चलते हैं लेके वीडियो और दिखाते हैं आप लोगों को। फाइनली गाइस, यहाँ पे ईसा अंबानी जी का घर दिखने लग गया, गुलीटा। आप लोगों को बता दें, इस बिल्डिंग का नाम, इस बंगलो का नाम गुलीटा है। जी हाँ गाइस, काफी प्यारा नेम है और ये काफी लग्जरियस बंगलो है। जी हाँ गाइस, आप सभी लोगों को बता दें, भारत के नहीं पूरे एशिया के सबसे नंबर वन पे आने वाले रईस इंसान की बेटी है मुकेश अंबानी जी की बेटी है मुकेश अंबानी की ये लाडली बेटी ईसा अंबानी, इकलौती बेटी है। जी हाँ गाइस, और ये 5 मंजिल की बंगलों में रहती है। काफी खूबसूरत बंगलो है जो डायमंड लुक में एकदम दिख रहा है, चमकता हुआ, एकदम शीशे के जैसे एकदम दिख रहा है, और ये शीशे का एकदम बना हुआ भी है। आप लोगों को हम बता रहे हैं, ये पहले अल्टेनिया हाउस में रहती थी, जिसकी कीमत 15,000 करोड़ रुपए है। जी हाँ गाइस, ये पूरे फैमिली के साथ अल्टेनिया हाउस में रहती थी। 2018 में इनकी शादी हुई है। आप लोगों को बता दें, शादी होने के बाद ये यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी हैं। जी हाँ गाइस, आप सभी लोगों को बता दें, अपने पति के साथ अक्सर करके अमेरिका में भी रहा करती हैं, और देख पा रहे हैं आप सभी लोग, और इस बिल्डिंग का नाम गुलीटा रखा गया हुआ है। जैसे कि आप लोगों को हम बताएं, आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देता हूँ। जी हाँ गाइस, ईसा अंबानी जी के दो बच्चे हुए हैं जुड़ुआ। जी हाँ गाइस, एक बेटा एक बेटी। एक बेटे का नाम कृष्णा रखा गया हुआ है, काफ़ी प्यारा, और ये धार्मिक के लोग हैं जो पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करना पसंद करते हैं, इसलिए कृष्णा रखे हैं। आप लोगों को बता दें, इसी खुशी में दुनिया के देश भर के पंडितों को बुलाया गया है, जो बड़े बड़े मंदिरों से बुलाकर यहाँ पे पूजा पाठ किया गया हुआ है। और आप सभी लोगों को बता दें, बच्चों होने की खुशी में इन्होंने 3 टन सोना दान किए हैं, जैसे कि 300 किलो सोना। जी हाँ गाइस, ये जहाँ पे रहती है ना, एक बॉस इलाका है, और यहाँ पे सी फेसिंग बिल्डिंग है, और ये देखिए अरब सागर यहाँ से दिखता है। गाइस, आप सभी लोगों को बता दें, यहाँ पे ना सबसे बड़ा भारत का पुल भी बनने वाला है, जो बीच होता है ना वो बन रहा है, जो आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। अभी तो काम शुरू है, चल रहा है। तो देखिए गाइस, इस बंगलों में काफ़ी खूब ज़्यादा हरियाली वगैरह लगाया गया हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं। इसी में ईसा अंबानी जी रहती हैं। इस घर की प्राइस आप लोगों को बता दें तो आप सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरानी हो जाएंगे। जी हाँ गाइस, ये इस घर का प्राइस 550 करोड़ का है। जी हाँ गाइस, 5,500 करोड़ का ये घर बना हुआ है, जो कि यहाँ पे देख पा रहे हैं काफ़ी खूबसूरत गेट भी है। अभी यहाँ पे गार्ड लोग थे, अभी हट गए हैं, लेकिन अभी हम बता देना, ईसा अंबानी जी इसी घर में हैं, अभी आई हैं अमेरिका से, जो इनके दो बच्चे साथ में आए हुए हैं। और साथ साथ में आप लोगों को बता दें, अमेरिका से 8 गर्ल्स भी नर्स आई हैं, जो कि बच्चों का देखभाल करने के लिए अमेरिका से आई हुई हैं इनके साथ ही साथ। अभी काफ़ी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है, जब ये अपने घर पर आई हैं तो
काफी ज्यादा वीडियो वायरल हुआ है। जी हाँ गाइस, आप सभी लोगों को बता दें, ये कोई छोटे फैमिली से नहीं है, जो एशिया के सबसे नंबर वन रईस आदमी है मुकेश अंबानी, उनकी बेटी हैं। तो ये कैसे घर में रहती हैं आप सभी लोग देख पा रहे हैं, जिसको हम लोग बिजनेसमैन के नाम पे, देखिए यहाँ पे उनके घर पे काफ़ी अच्छा सजाव जवाई थी, तो डेकोरेट किया गया हुआ था और अभी निकाला जा रहा है। जी हाँ गाइस, देखिए डायमंड लुक पूरा दिख रहा सामने से, एसी फेसिंग बंगलो है, पूरा शीशा कांच के तरह सजाया गया हुआ है, देख रहे हैं। और ये जितने भी खिड़कियां दिख रहे हैं ना गेट पे, सारे शीशे लगाए गए हुए हैं। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा ग्रीनरी वगैरह यूज किया गया हुआ, प्लांट लगाया गया हुआ, पेड़ पौधे लगाए गए हुए हैं हरियाली से। जैसे आप लोगों को बता दें, जितने रईस आदमी होते हैं, जितने बॉलीवुड के हीरो सुपर स्टार लोग होते हैं, आप लोगों को बता दें उनका बंगलो करोड़ों का होता है, अगर उसमें ग्रीनरी ना लगाया जाए तो वो थोड़ा सा भी उसका वैल्यू नहीं होता। अगर इन लोग ग्रीनरी लगाते हैं तो इसका फ़ायदा क्या होता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मैं बहुत बार बता चुका हूँ, आप लोग अगर शायद नहीं जाने होंगे तो आज जान जाइए ये लोग पेड़ पौधा और ग्रीनरी क्यों लगाते हैं। जैसे कि इनका करोड़ों का घर होता है और उसमें ग्रीनरी ना लगाए तो थोड़ा सा भी उस घर का लुक नहीं आएगा, खूबसूरत नहीं लगेगा। दूसरा नंबर कि ये लोग अच्छा स्वच्छता हवा मिल जाता है इन लोगों का लोगों को, और पॉल्यूशन नहीं मिलता है, जो शुद्ध हवा मिल जाता है इन लोगों को, ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। इसलिए ये लोग ज़्यादा करके ग्रीनरी वगैरह लगाते हैं। देखिए एकदम ऊपर पे टॉप फ्लोर पे एकदम ग्रीनरी वगैरह लगाया गया हुआ है, जो आप लोगों को घास के जैसे दिख रहा है। आप लोगों को बता दें, यहाँ नीचे देखिए झूला वगैरह लगाया गया हुआ है। और इस बंगलो में क्या क्या चीज़ें खासियत हैं आप लोगों को बता दें, तो गाइस आप सभी लोगों को बता दें, ईसा अंबानी जी के इस गुलटिया बंगलो में जो कि एक अच्छा जिम रूम है, यहाँ पे स्विमिंग पूल है, और यहाँ पे जो खाने वगैरह बनाए जाते, किचन रूम है जो काफ़ी खूबसूरत, और यहाँ पे तरह तरह के आइसक्रीम रूम है, यहाँ पे पार्लर है इसमें, और डांस रूम है, थिएटर है, क्लब है। इसके अंदर ना सारे फ्यूचर आपको देखने को मिलते हैं, जो देश विदेश में बड़े तरह तरह के चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलता है ना, वो इसी बंगलों में देखने के लिए मिलता है। क्योंकि ये भारत की नहीं, पूरे एशिया के सबसे रईस इंसान की बेटी है, मुकेश अंबानी की बेटी, जो कि 15,000 करोड़ों के घर में रहा करती थी। जो कि आप लोगों को बता दें, अभी ये इस घर में रहती हैं, 2018 में इनकी शादी हुई है, तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी हैं। अभी अक्सर ये अमेरिका वगैरह भी रहा करती हैं, और अभी फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम में यहीं पे हैं। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे गार्ड लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब राउंड लगा रहे हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। गाइस आप सभी लोगों को बता दें, ईशा अंबानी जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश रहती हैं इस घर में, उनको ये घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और यहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। अक्सर वो अपने मॉम डैड से मिलने के लिए अल्टेनिया हाउस में जाया करती हैं, लेकिन अभी वो आई हैं, इनके दो बच्चे हैं, जो कि ये अभी काफ़ी ज़्यादा देखभाल चल रहा है और अभी इसी घर में हैं। गाइस बहुत गुड न्यूज़ बहुत अच्छा है, जो कि आप लोगों को मैंने शेयर किया, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। गाइस आइए यहीं पे हम बताते हैं इनके घर का एड्रेस लोकेशन, आप लोग मैप अगर गूगल पे डाल के आएंगे ना तो कभी भी नहीं आ पाएंगे यहाँ पे। तो गाइस ये वर्ली में स्थित है, ये पहले अल्टेनिया हाउस में रहती थी, अभी ये वर्ली में है, जो कि अब्दुल गफ्फार चौक है, जिसे बोलते हैं खान अब्दुल गफ्फार मार्क चौक है, जो यहीं पे आप लोग आएंगे गूगल मैप पे डाल के तो आ जाएंगे। अगर इस घर का लोकेशन वगैरह आप लोग सर्च करते हैं तो सर्च में दिखाएगा, लेकिन मैप के सहारे से नहीं आ पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि मैं अभी ऐसे ही आया हूँ, गूगल मैप से नहीं आया हूँ, पूछते पूछते यहाँ पर आया हूँ। जी हाँ गाइस, आप सभी लोगों को मैंने इनका घर दिखा दिया और इनका एक गुड न्यूज़ दे दिया आप लोगों को। गाइस अब मैं बताता हूँ इनके कार कलेक्शन के, तो इनके पास कौन कौन सी कार है। जी हाँ गाइस, आप सभी लोगों को बता दें, इनके पास ओडी मर्सिडीज, और इनके पास रेंज रोवर, बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज, ऐसे कोई एक और लग्जरियस कार है, जो इनके पास तरह तरह के देश विदेश की जो कारें हैं। और इनके पास जो मर्सिडीज कार है ना, उसमें अक्सर एक ज़्यादा करके चलती हैं, बीएमडब्ल्यू में ज़्यादा करके चलती है, क्योंकि वो ब्लड ग्रुप है। जी हाँ गाइस, जो मर्सिडीज है ना इनकी, वो तकरीबन
8.5 करोड़ की है। जी हाँ गाइस, आप सभी लोगों को बता दे वो अक्सर मर्सिडीज में ज्यादा करके चलती हैं। आप लोग वीडियो वगैरह अगर आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया पे तो मर्सिडीज वाले से ही ज्यादा करके निकलती हैं, क्योंकि वो बुलेट ग्रुप है और ये मुकेश अंबानी की बेटी है, तो जाहिर सी बात है कि इनके पास बुलेट ग्रुप कार भी होंगे। रोल्स रॉयल भी है इनके पास, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि मैंने जैसे मुकेश अंबानी सर का घर का वीडियो दिखाया, घर दिखाया था, उसमें मैंने बताया था। जैसे कि मैं बता देता हूँ, मुकेश अंबानी सर के घर में रोल्स रॉयल, BMW, ओडी, मर्सिडीज, ऐसे तरह तरह की लग्जरियस कार भी हैं और हेलीकॉप्टर भी हैं प्राइवेट। आप सभी लोगों को पता ही होगा, ये सारी वीडियो मैंने बताया था। अगर अभी तक उनका घर नहीं देखे मुकेश अंबानी जी का, तो आप लोगों को एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। गाइस आइए यहीं पे ईशा अंबानी जी का डेट ऑफ बर्थडे बताते, मतलब इनका बर्थडे कब है, आप लोगों को पूरा डिटेल में बताते हैं। जी हाँ गाइस, इनका बर्थडे 23 अक्टूबर को है। जी हाँ गाइस, आप सभी लोग बर्थडे विश करना नहीं भूलिएगा। 23 अक्टूबर 1991 में इनका जन्म हुआ था, अभी ये पूरे 31 साल की हो चुकी हैं। जी हाँ गाइस, आप सभी लोगों को बता दें कि ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहना पसंद करती हैं। इनके हस्बैंड जो हैं आनंद, वो भी यहाँ पे रहते हैं। आनंद की जो भी फैमिली है ना, आप सभी लोगों को बता दें, वो भी कोई मिडिल क्लास फैमिली नहीं है, कोई आम तौर पे नहीं है, वो भी के एशिया के ना 47वें रईस नंबर पे आते हैं। जैसे रईस आदमियों में उनका गिनती किया जाता है, नेम लिस्ट में उनका 47वें नंबर पे है। जी हाँ गाइस, बहुत जल्दी वो भी लोग आगे बढ़ जाएंगे, आ जाएंगे। और ईशा अंबानी के डैडी का नाम मुकेश अंबानी, आप सभी लोगों को पता ही हो। इनके अंकल का नाम अनिल अंबानी है। जी हाँ गाइस, आप सभी लोगों को घर का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और भी कुछ रिलेटेड बातें पूछनी होंगी, आपके दिल में जो बातें होंगे कमेंट कर दीजिएगा। और कौन कौन मुकेश अंबानी जी को जानता है और ईशा अंबानी जी को जानता है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आप लोग के दिल में कोई सारी बातें हैं जो पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिएगा, क्योंकि आगे नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा तो आप लोगों के रिलेटेड वीडियो जरूर होगा, आप लोग जानने को जरूर मिलेगा। गाइस यहां पे मैंने बताया 3 क्विंटल जैसे इन्होंने सोना दान किए हैं, और आप लोगों को बता दे 300 किलो सोना दान करना कोई आम बात नहीं है। इस खुशी में बहुत इन्होंने दान किए हैं। अभी यहाँ पे देश विदेश से वेटर और ये हलवाई शेफ वगैरह बुलाए जा रहे हैं, यहाँ पे खाना वगैरह खिलाया जाएगा। आप लोगों को बता दे भंडारा का मतलब इन्होंने काफ़ी अच्छा वो किए हैं, खाने पीने का भी सिस्टम भी होने वाला है। और आप लोगों को बता दे इस घर को बनाने के लिए ना देश से विदेश से आदमियों को बुलाकर इस घर को बनवाया गया है। इस घर में काफ़ी खूबसूरत चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को मैं बताता हूँ। ये इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी पेंटिंगें की गई हुई हैं और काफ़ी लग्जरियस इसमें रूम में सोफे वगैरह भी हैं। जी हाँ गाइस, यहाँ पे बड़ी बड़ी इस रूम में झालर वगैरह हैं, और मैंने बताया इसके अंदर क्या क्या है, जिम है, स्विमिंग पूल है, डांस रूम है, आइसक्रीम रूम है, यहाँ पे तरह तरह की चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे अगर आपको ऐसा नया अपडेट वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।